ये भलो सस्पेंशन ब्रिज अब तो पक्का आओगे तुम लोग, मुझे तो भरोसा है। ये तो लंबा होते जा रहा है, लंबा। चलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये है दीपक भाई का रूम जहाँ पे कल हम रुके थे। सामला ताल से आगे आए और यहाँ पे आके पस्त पड़ गए और एक दिन हम और रुक गए यहाँ पे, इसलिए एक ब्लॉग और बनेगा आज का आपके लिए कुछ विशेष। रास्ते में बात करेंगे कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये है बाहर का नज़ारा, सुंदर सा घर हमारे बुआ का, फल वल सब लगे हैं और ये हैं खेत बाहर के। ये बैठे हैं नीचे, ये है बाइक लगी हुई कार और वो रही मेरी बाइक। ये तैयार हो रहे नीचे, तैयार क्या यार, चलो ना। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। चलो अब चलते हैं, सब गुस्से में है, सबसे लेट मैं ही रहता हूँ। ओके मिलते हैं रास्ते पे बाइक पे। अभी बज रहा है 10:08, देखते हैं अगर रास्ता खुला होता तो जाते हैं। सुनने हमारा रास्ता भी पूरा खोद खाद रखा, नया बन रहा रास्ता। चलो जहाँ तक भी पहुँचते हैं। ये हमारी दादी जो एक बार अमर उजाला में आई थी, फोटो दादी की, दादाजी ने वहाँ 62 वाली लड़ाई में भाग लिया था। तो एक्सपायर वहीं हुए थे ना, 65 वाले में एक्सपायर हुए थे ना, एक्सपायर हो गए थे दादाजी। तब से बड़ा स्ट्रगल करा आमा ने, देखो इतना अच्छा घर सब आमा के आशीर्वाद से। तब आमा की फ़ोटो आई थी अखबार में, फ्रंट पन्ने में पूरा पन्ना ही आया था यहाँ वाले में। वो है बुआ कपड़े धोने में लगी है, कल इसकी हालत ख़राब हो गई श्यामला ताल वाले रोड पे। घर आके हम भी पड़ गए पस्त, आज नहीं हो रही है तो यहाँ आ रहा है, कह रहे तुम भी जाओ मैं नहीं आ रही हूँ, बोल तुम्हारे साथ आओ। हाँ तो अभी आते हैं फिर। हाँ जय श्री राम। जाना तो हम वाले खेत से पहली तरफ गए, ऐसे घूम के जाना पड़ेगा, पूरा रास्ता नहीं है, वहाँ से रास्ता ब्लॉक है। ये है वही कल वाला पतपुर पोखरिया वाला गांव बनबसा का, मगर आज हमारी डेस्टिनेशन है अलग। आज जाएंगे हम नेपाल दुधिया चंदनिया ब्रिज में। एशिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है ये, मैं तो गया हूँ एक बार पहले उसको, आज आप लोगों को दिखाता हूँ। झूला पुल कहते हैं इसको हमारे हिंदी में, झूला पुल। बाइक भी चलती है, कोशिश करेंगे अगर बाइक ले जाने दिया, रास्ता सही है वहाँ पहुँचते हैं तो बाइक चलाएंगे आज उसको। कुछ अलग दिखाते हैं भाई, कुछ अलग। आज ज़्यादा दूर नहीं आए यहाँ से, लगभग 10-11 किलोमीटर है, मगर हम लोगों को पता नहीं रहता कि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें भी यहाँ देखने के लिए मिल रही। ये आई आपकी NH9। बड़ी खतरनाक रोड है, तो भयंकर काट दे रहे हैं करते थे। बैग लिया है ना कागज वाले गाड़ी के, भैया नेपाल नेपाल जा रहे हैं, नेपाल वहाँ घूम लो। मेरी धाम पे आपका हार्दिक स्वागत। ये जहाँ से आए वहीं पे जा रहे हैं, तो घूम घाम रहे हैं क्योंकि बीच में से केवल साइकिल का रास्ता है, बाइक आते जाती खतरा। भैया मेड़ों में कौन चला सकता है। ये बूबी भाई हमारे आगे आगे, ये मेरी बुआ का लड़का। सड़क सतह से अधिकतम ऊंचाई 3.6, ये गली जो दिख रही है यहाँ से जाना पड़ता है, उधर तो रास्ता ऐसा ही था। ये है रेलवे क्रॉसिंग,
वाली रेलवे क्रॉसिंग के नीचे से गुजरा था। पहले ऊपर है जाना पड़ता था डैडी इसके, अभी नीचे से बना दिया है, अच्छा बना दिया है ना, खतरा लोगों को नहीं। ये रेलवे क्रॉसिंग के वाली तरफ आगे जो हम इससे पहले वाले ब्लॉक में मेरा जो ट्रेन जाते हुए जो शुरुआत का सीन था उसी पटरी के पीछे की तरफ है ये वाले गांव में। ये स्कूल क्या लिखा था, शिवानी पब्लिक स्कूल, क्या था, शिवराज पब्लिक स्कूल। ये है यहाँ का रास्ता, कभी आप आओ तो आओगे पक्का, मेरी वीडियो देख के पक्का है कि नहीं भाई। भाई जाता ही ऐसी जगह है, ढंग से दिखा पाया तो इम्प्रेस कर पाया तुम लोगों को, तो दिखाने की बर्बाद है, कैमरा एक ही है, हेलमेट माउंट से दिखा पाऊंगा। वो तो नहीं है पुल नहरिया, वही है यहाँ से पहली तरफ का अपन नेपाल लग जाएगा। पिछले पहले तो हम सब आए थे भाग गए थे यहाँ से, पुलिस वाला रोक रहा था हम भाग गए। ये शारदा नहर है ना, ये शारदा हुई, हाँ ये शारदा नहर है, ये इंडिया में ये फिलहाल इसके पहली तरफ सीधे नेपाल हो ना। अच्छा 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 चलो फिर चलो। ये मुझे शारदा महाकाली से निकाल के लिए सिंचाई के लिए मजा आएगा। यहीं आता था पहले यार हमारा चामू तैरने के लिए, खतरनाक है वो। ये इंडिया ही है क्या, मैं तो इसको नेपाल समझता था, मैं तो कह रहा था यहीं बगल में नेपाल आ जाता करके। क्या लिखा है, इंडिया लिखा है, बन बसा ही लिखा है यहाँ तो। ये गड़ी कोट है, गड़ी कोट है। ये खतरनाक वाली सड़कें देखो, यहाँ मजा आ रहा है यहाँ तो गलियों में गाड़ी निकाल लिया मैं, देख यहाँ वो आना चाहिए भाई मजा बस, हमें तो आता ही है मजा खा। यार जंगल का इलाका है यार, असली मजा तो इसमें भाई, कैमरा चल रहा होगा नहीं, चल रहा चल रहा चल रहा। दुधिया चंदनिया देखिएगा, हाइपर स्मूथ का मजा पता चलेगा, हाइपर स्मूथ कैसा काम कर रहा है। कितना होगा नेपाल अभी आगे होगा क्या भैया, ये नहर से कहीं निकालेंगे। देखो पीछे लकड़ी वकड़ी लेके आ रहे हैं आंटियां, आया मजा भाई साहब यहाँ तो ऐसा ही दिखता है। एक और आ गया वहां से आगे से भाई साहब, तो बहुत ही बड़ा नाला आ गया। इधर से इधर से ओपे ओपे पूरा गीला हो गया हाथ
पूरा पानी घुस गया यार, यार ध्यान ही नहीं रहे। चलो बैठो, वाली तरफ से तुमने कैमरा निकाल के फोटो खींची थी यार, अब जाते समय करोगे हैं? अब क्या करोगे, अब तो सीन चलेगा, ये तो सीन होते हैं असली। तुमने वाली तरफ आना चाहिए था ना। देखो गाय ने कैसे रास्ता दिया हमें ना, गाय ने कैसे रास्ता दिया, आज इसे लोड़े से हट गई हो रास्ता दे दिया, क्योंकि तो गौ माता कहने वाले हुए यार। क्योंकि तो भैया हिंदू लोग गाय की पूजा करने वाले हुए, कुछ करे कैसा करे, गाय कभी किसी को नहीं मानने वाली, बस दूध ही पिलाने वाली, बढ़िया जीवन देने वाली। आगे भैया नेपाल है, वो देखने लग गया पुल खंबे, वो देखो वो दिख रहा है, मेरे ख्याल से तो 11 किलोमीटर भी नहीं होगा ना, टायर पंक्चर ना ओवर हो गया। नेपाल वाल भाई लोग अंदर ट्रैक्टर में हाइल पर ले जाती है यार, अपन बोलो नदी ने ये ऐसे भाई लोग, सस्पेंशन ब्रिज 8 पिलर है इसमें, लेकिन गाड़ी की हालत ख़राब हो गई यहाँ तो, गाड़ी की हालत ख़राब, बाइक जा रही है, बाइक में जाएंगे अभी हम, गाड़ी थोड़ी ला रहा हूँ तुम्हारे यहाँ। नाव भी लगी यार मुझे, नाव अरे उसने यहाँ खड़ंचे में भेज दिया यार हमें, वो रास्ता था वहाँ से आने वाला, देखो जब पिछली बार आए थे वहीं से तो आए थे, सीधे पुल ही दिखा था। नहीं यार बढ़िया दिख रहा फिर भी, तो चलो फिर उधर से चलेंगे, यहाँ पे गाड़ी रोके फोटो खींचू या आते समय खींचेंगे, आते समय पहले देख के आते हैं तेरे को, चलो आओ ना यार बता रहो। ये देखो भैया पुल का नजारा, पड़ता होगा घर के लिए क्या कागज वागज उनके यार के पूछ नहीं, कैमरा निकाल दू तो। अरे यार ये बोझे तो किनारे कर दो, यह वाला वो सस्पेंशन ब्रिज का लो मजा, ये है काली नदी नीचे शारदा, अरे वो गोली हो गया रुक कहने के बावजूद भी, तो सजा सज सजा सज सजा सज सजा सज। कितना किलोमीटर लंबा है देखना है, 95 हो रहा है अभी। चलो दाजू चलो 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 चलो, अरे वहाँ तो स्कूल के बच्चे भी जा रहे हैं, एक ही तरफ को जाओ यार, एक ही तरफ से चलो,
मार मार ही लाना, टायर ही फिर लेंगे। आराम से रे बच्चे पार्टी। ये भाई लोग सस्पेंशन ब्रिज, अब तो पक्का आओगे तुम लोग, मुझे तो भरोसा है। ये तो लंबा होते जा रहा है, लंबा। गोपी चले गया ना आगे, बेवकूफ आदमी है, रुका ही नहीं हो। आजा भाई, डगमगाट कर रहा। ओ बकरी 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 बकरी। अरे तुम्हें मजा आ रहा नहीं है, बताओ। देखो ना कितना लंबा ऊपर वो, तुम ऐसे ऐसे मत हिलाओ ना यार, आगे को बैठ जाओ, थोड़ा थोड़ा आगे को बैठो। अरे बच्चा पार्टी रे। सब बस। आराम से भाई, आराम से। यार यहाँ पे लगाऊंगा करके हो रहा था, खड़े हो गए यहाँ पे यार। बहुत आए यार सैलानी देखने के लिए। इसमें मजा आया यार। इस वाले मजा आया ना। अच्छा लग रहा है इन्हें सैलानी आए हुए ना, तब तो कोई नहीं आते थे इधर, शुरू शुरू में जब खुला था तभी आ गए थे हम लोग। ओ दाई, चलो अब नीचे से खींचना मेरी वीडियो वहां से। अब जाओ नीचे, तुम भाग के आ गए यार। अरे इतना शानदार सीन आता वहां से, आगे आगे चलते तो पहले यहाँ तो बैठो, कुछ दिखाओ तो है नीचे, उधर पार्क वार्क है कुछ पता नहीं उधर की ओर। दुधिया चंदनी पुल, एशिया लॉन्गेस्ट पुल सस्पेंशन ब्रिज। अरे ये लोग आगे निकल गए ना यार, यहाँ दुकानें नहीं होती खाने पीने की कुछ का, दुकानें नहीं होती, रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट। अरे बड़ा मज़ा आ रहा था वो वहाँ पे, था शॉट पॉट शॉट वाला था। मज़ा आ गया था उसको, मज़ा आ गया फिर भाई इसमें चलाने का ही तो मज़ा है, चलाने का तो मज़ा है यार, तू साथ में नहीं आ पाए ना। तो दोस्तों भैया, ये चंदनिया हुआ या दुधरा हुआ ये गांव का नाम? ये दुधरी है, दुधरा पार है। अच्छा दुधरा उस तरफ का हुआ, ठीक ठीक। अच्छा ये चंदनिया पिपली कुछ कह रहे थे भाई लोग, ये इधर का है और उस तरफ को दुधरा, ये दोनों को जोड़ता है एक दो गांव को, ये वाला सस्पेंशन ब्रिज। ब्रिजी है ऐसे, इधर को महेंद्र नगर का रास्ता है, 10 किलोमीटर जाएगा महेंद्र नगर का आपका। ये लगी गाड़ी है हमारी, बैटरी का तो सुन चाहते हैं। चलो भी चलो सर,
तुम्हारी शीन ही नहीं है नदी। चलो से चल आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। जहां पे बढ़िया फोटो खींचने लायक हो ना वहां पे रोक लेना। ये लो मजे सस्पेंशन ब्रिज के। हम तो भैया अनोखी जगह घुमाते हैं, जो सपने देखा उसको क्या दिखाना, घट के दिखाओ थोड़ा मजा आया जरा। मुझे तो रेस करने का मन कर रहा है यार इधर। नेपाल की लड़कियां बड़ी स्मार्ट हैं यार। हैं? ऊंचा वाला वाला था यही था क्या? ये था शायद यार ऊंचा वाला, वो उधर वाला है। यहाँ पे हया रोकने लायक जगह है ना, जगह लगाने के लिए। उठो उतरो उठो उतरो, अरे है उधर जगह बीच में लगा दे तो बीच पुल में। हाँ हाँ अभी कोई थोड़ी आ रहा है, पत्ता खड़ा दे, खड़े जाओ खड़े जाओ खड़े जाओ सब वहाँ पे। अभी वो यार आएंगे तो पीछा कर देंगे। मजा ही आ गया यार। गोली गोली फटाफट चलो, थोड़ा तेज चलो यार। खींचे खींची बहुत यार, ये था यार वाला। इसमें आ मजा असली क्यों।
ओ भाभी सीधे ही वाले रास्ते से जाना आगे वाले हैं। ना 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 कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ना ना अभी तो कुछ नहीं हुआ यार, अभी तो कुछ नहीं। क्या पता आगे को हुआ हो, आधे पुल से इधर को थे हम। ना ना हम आधे से इधर को तो कुछ नहीं हो रहा, उधर को हो रहा तो पता नहीं। मिलते हैं वाले नहर पे जहाँ से रोड क्रॉसिंग करेंगे वहाँ पे। मेरे को पकड़ लेना हाँ कि ना। बड़े कचार हो रही यार। चलो फिर चलो, एक क्रॉसिंग और आएगा साथ में चलेंगे वहाँ। एक और आएगा ऐसा नाला ये कौन? अब एकदम से धुचका आ गया, मैं क्या करूं। चलो चलो चलते रहो। ये खतरनाक रोशनी आ रही है। ये लिया हुई है पूरा हमने कंचनपुर ब्रिज का, सस्पेंशन ब्रिज का मजा। चलो अब घर पे मिलते हैं, किसी दूसरे ब्लॉग में कोई और बनाएंगे शानदार वाला। अब हो रही है मेमोरीज की खत्म। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।